आदमपुर का उपचुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ कांग्रेस आदमपुर को अपना गढ़ बताते हुए जीत का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन सरकार के मंत्री रंजीत चौटाला ने आदमपुर में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा कर दिया है। सिरसा में गांव के दौरे पर निकले रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में गठबंधन सरकार की एक तरफा जीत होगी और कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। आदमपुर चुनाव को लेकर कितनी तैयारी है? कांग्रेस कह रही है कि हमारा गढ़ है 100% जीतेंगे जी। परसों मेरा और कुलदीप सिंह जो अभी आए हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं, और डूडाराम जी कई MLA थे, एक आदमपुर हल्के की मीटिंग थी, बिश्नोई समाज से वो जुड़ी हुई थी, बहुत कट्टर 10,000 आदमी तो वहीं थे। मैं सब बताऊँ, एक तरफा इलेक्शन है, कोई मुकाबला ही नहीं है। कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। लंबे अरसे के बाद देवीलाल परवार और भजनलाल परवार एक साथ मंच पे देखने को मिला। नहीं, जो भजनलाल जो देवीलाल की कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, और जब रोड़ी बाई इलेक्शन हो रहा था जब जो भजनलाल जो बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे तो भी हमारी मदद कर रहे थे। हमारा आपस में नहीं है पॉलिटिकली, मैं ओम प्रकाश जी भी आमने सामने चुनाव लड़े, कोई विरोध थोड़ा ही होता है, वो तो एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो जाती है, उसके बाद वही दोस्ती आपने वही रिश्ते रहते हैं। बता दें कि आदमपुर उपचुनाव के नतीजे हरियाणा में भविष्य की राजनीति तय करेंगे। ऐसे में उपचुनाव की तैयारियों में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। सूत्रों के मुताबिक आदमपुर का उपचुनाव भी भाजपा जजपा गठबंधन मिलकर लड़ेगा और इस बार भी उम्मीदवार भाजपा का ही होगा। हालांकि प्रत्याशी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई का नाम आगे किया है और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव लड़ने की चुनौती भी दे दी है। ऐसे में आदमपुर में बिश्नोई परिवार को कौन टक्कर देगा, इसी पर हरियाणा भर की नजरें टिकी है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।